नमस्ते फ्रेंड्स, मैं रेशमी विद्यांत आज मैं आपके सामने गोभी की एक हेल्दी रेसिपी बनाने जा रही हूँ। ये रेसिपी दिखने में बिल्कुल से सिंपल गोभी की सब्जी की तरह लगेगी, लेकिन ये गोभी की सब्जी का स्वाद बिल्कुल नॉनवेज की तरह लगेगा। इस यूनिक गोभी की सब्जी को आप घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ये आधा किलो गोभी है, इस प्रकार इसे मीडियम साइज का काट लीजिए। चार मीडियम साइज के प्याज ले, उसमें से दो प्याज को इस प्रकार मोटा मोटा काट लीजिए। कढ़ाई में फ्राई करने के लिए बाकी के दो प्याज को पतला पतला लंबा लंबा काट लीजिए। पांच मोटे साइज की लहसुन की कलियां, 10 ग्राम अदरक को मोटा मोटा काट लीजिए, 2 हरी मिर्च चीरा लगा के, गुनगुना गरम पानी 1 गिलास, नींबू का रस 4 टेबलस्पून, नमक स्वाद अनुसार, चीनी 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 2 टेबलस्पून, देसी घी 4 टेबलस्पून। अब मिक्सी के जार में आप एक एक करके मोटे कटे हुए प्याज को डालें, अदरक डालें, लहसुन डालें और आवश्यकता अनुसार पानी डाल के मिक्सी में ग्राइंड कर लें। आप देख सकते हैं आपके सामने एक पेस्ट बनके तैयार है। अब इधर गोभी को मैरिनेट करने के लिए एक एक करके उसी पेस्ट को डालें, नींबू का रस डालें और हल्दी पाउडर डालें। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और फिर 2 घंटे के लिए छोड़ दें। अब 2 घंटे बाद कढ़ाई में घी को डालें और इसे गरम कर लें। घी गरम हो चुका है, अब इसमें एक एक करके बाकी के प्याज डालें और हरी मिर्च डालें। अब प्याज को अच्छे तरीके से सुनहरा होने तक फ्राई करें। आप देख सकते हैं प्याज सुनहरे हो चुके हैं। अब इसमें एक एक करके मैरिनेट किए हुए गोभी को डालें, चीनी डालें और नमक डालें। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिला लें और फिर लो फ्लेम में 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ दें। 15 मिनट हो चुका है, गोभी की सब्जी से बहुत अच्छा खुशबू आने लगा है। अब मैं इसे थोड़ा चला ले रही हूँ और फिर गुनगुना गरम पानी 1 गिलास डाल दे रही हूँ। और अब थोड़ा चलाएं और इसी तरीके से गोभी को लो फ्लेम में तब तक ढक ढक कर पकाते रहें और बीच बीच में चलाते रहें जब तक कि गोभी बिल्कुल से पक के तैयार ना हो जाए। आपके सामने गोभी की ये हेल्दी रेसिपी बनके तैयार है। अब मैं इसे चेक कर ले रही हूँ कि ये पक चुके हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं गोभी बिल्कुल से पक चुका है। अब मैं इसमें गरम मसाला डाल दे रही हूँ और फिर थोड़ा सा चला के फ्लेम को मैं बंद कर दे रही हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।